ग्वालियर में कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी को 2023 चुनाव में खुलेआम चुनौती दी है। उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि बीजेपी चुनाव में 50 से ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इनका विश्वास नहीं दावा है और यदि ऐसा होता है तो वो राजभवन के बाहर खुद का मुंह काला करवा लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दावे के पीछे कारण भी बताए हैं। उनका कहना है कि एससी एसटी और अल्पसंख्यक तीनों से बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है। पिछली बार 1,55,00,000 वोट में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इस बार 1,65,00,000 में कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक मिलाकर प्रदेश में 2.40 करोड़ का वोट है। ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के दलित चेहरा के रूप में पहचाने जाने वाले फूल सिंह बरैया ने अब बीजेपी पर बयानी हमला किया है। उन्होंने बीजेपी को दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सोफे पर अपने साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया को बैठाया है। इससे तो या तो साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल में दलित चेहरे के रूप में कांग्रेस फूल सिंह बरैया पर ही दाव लगाएगा और इसी जोश में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा 50 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। ये 50 सीट भी बड़ी मुश्किल से जीत सकेगी। यदि भाजपा आधा सैकड़ा सीट से ज्यादा जीत जाएगी तो वो खुद अपना मुंह राजभवन के सामने खड़े होकर काला कर लेंगे। जैसे 2023 के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। दलित नेता फूल सिंह बरैया का कहना है कि भाजपा को वोट मांगने का हक नहीं है, ये वो वोटर्स हैं जो संविधान को मानते हैं। भाजपा संविधान बदलने के लिए बात करती है और इसीलिए ये वोट कांग्रेस के पास आएंगे। इस बार 1.65 करोड़ वोट में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर ओबीसी को भी गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा ने ओबीसी की हालत कर दी कि उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है, किसको वोट देना है। ओबीसी के साथ भी भाजपा ने धोखा किया है। कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। वो अगर जीत जाए तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपने काला कर लेगा।